नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 11 के DDA ग्राउंड में, जहां पे हर वर्ष की भांति इस बार भी भव्यतम छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आप देखें हजारों की संख्या में जो छठ व्रती हैं वो यहां पे मौजूद हैं। कल शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया और आज पुनः एक बार सुबह सब लोग जुटे हैं और उगते हुए सूर्य को अभी अभी अर्घ दिया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे, छठ पूजा समिति जो द्वारका की है उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और साथ में आपको दिखाएंगे, आपको सुनाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से लोगों ने यहाँ पे अर्घ दिया और कितना शानदार ये कार्यक्रम रहा। सबसे पहले पंडित जी के पास चलते हैं, उनसे जानेंगे। पंडित जी, आज जो अभी उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया, क्या कुछ महत्व है? हमें भगवान सूर्य बिना किसी कारण अपने समय से उदय होकर के रोशनी प्रदान करते हैं और यह सूर्य षष्ठी का महत्व इतना बड़ा है कि जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसलिए हम उनका व्रत 3 दिन तक अनवरत रख करके आज उनको प्रसन्न करने के लिए हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और इसी अर्घ के साथ में व्रत का समापन होता है और भगवान सूर्य सभी को अपनी मनोकामना पूर्ण करने का समय देते हैं और उनके साथ वह हमेशा तत्पर रहते हैं। अब छठ पूजा से जुड़े भाई रॉबिन शर्मा जो अध्यक्ष हैं छठ पूजा समिति द्वारका के, वो मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। रॉबिन जी, बहुत शानदार आयोजन हुआ, लगातार 19वें साल में हम लोग हैं, इस बार तमाम कठिनाइयां आई लेकिन उसके बाद और भव्यतम आयोजन। सब भगवान की कृपा है, उनको ये मार्ग बनाना था, वो भक्तों की परीक्षा ले रहे थे कि क्या हम लोग उस परीक्षा में पास होंगे या फेल होंगे। हम लोग उनकी परीक्षा को मान के ही हम लोगों ने एक तरह से DDA के साथ में एक जंग लड़ा और वो जंग जीता, और DDA ही नहीं, मेला माफिया के खिलाफ जंग लड़ा है। बिल्कुल। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज ये पूरा पूजा करवा पाए, नहीं तो ऐसा षड्यंत्र रच दिया गया था जिससे छठ पूजा को ही रोक दिया गया था। चलिए, अब एक बार पुनः आपको लगता है कि हजारों की संख्या में जो लोग जुटे हैं छठी मैया के माध्यम से, भगवान सूर्य के माध्यम से, उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी? बिल्कुल, उन्हीं की वजह से सब हो ही रहा है। अभी तक जो हमें मिला उन्हीं की वजह से मिला और आगे भी जो प्राप्त होंगे उन्हीं के आशीर्वाद से होगा। अब जो सूर्य मंदिर का जो संकल्प लास्ट ईयर हम लोगों ने लिया था वो भी प्रोसेस में है, जमीन ले ली गई है, लगता है दिल्ली में भव्यतम सूर्य मंदिर का निर्माण होगा, और इसमें कितना समय लग सकता है? पहला काम था जमीन लेने का, जमीन ले लिया गया है, अब इसके बाद निर्माण का कार्य आरंभ होगा। निर्माण में जो समय लगेगा वो लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं रहना है। हमारा संकल्प ये भी है कि दिल्ली की हर विधानसभा में एक सूर्यदेव का मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए हम लोग सतत प्रयास करते रहेंगे। एक जगह मंदिर का काम आरंभ हुआ, दूसरी जगह भगवान अगर सामर्थ्यवान बनाएगा तो हम दूसरी जगह भी जगह लेंगे, ऐसे करके आरंभ होगा। हाँ, पहला सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि नजफगढ़ की पावन धरती पे, जिसको हम लोग नाहरगढ़ भी बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग को सौभाग्य मिला है जमीन लेने का, तो संस्था ने जमीन लिया और हम लोग काम आरंभ करेंगे, ऐसे करके हर जगह बढ़ाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था से जुड़े जो संयोजक हैं चंद्रशेखर राय जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे जानेंगे। राय साहब, क्या कुछ कहेंगे भव्यतम आयोजन लगातार 19वें साल में और इतनी कठिनाइयों के बावजूद? बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, ये इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ के हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, उनकी वजह से हो पाता है। और सबसे बड़ी बात कि द्वारका में आने वाले जितने श्रद्धालु हैं वो इतना उत्साहित रहते हैं और इतना अनुशासित रहते हैं कि ये कार्यक्रम सफल हो पाता है। बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई, लेकिन कठिनाई के बाद जब कार्यक्रम सफल हो जाता है तो उस कठिनाई का कोई मोल नहीं रहता है, कोई तकलीफ को हम लोग बयान नहीं करते हैं। और इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा, स्पेशली मीडिया ने जिस तरह से इसको कवर किया और 5 दिन 7 दिन पहले से न्यूज़ चलाई, उसका फ़ायदा ये रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पर और जिसकी वजह से यह कार्यक्रम सफल हो पाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य मंदिर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसका जो निर्माण है अब शुरू होगा, एक बड़ा अवसर है आप लोगों के लिए। सूर्य मंदिर का निर्माण के लिए जो हम लोगों ने संकल्प लिया था उसके लिए जमीन का रजिस्ट्रेशन हो गया है और मैं आह्वान कर रहा हूँ सभी लोगों से, वैसे तो हम लोग जो कमेटी है वो अपनी तरफ से पैसा डाल रही है, लेकिन कोई भी मंदिर निर्माण होता है तो उसके लिए अंश सभी लोगों का होना चाहिए। जैसे पूजा में एक आहुति दी जाती है, ऐसे ही मंदिर निर्माण में थोड़ा थोड़ा अंश के रूप में हम लोग सबसे निवेदन कर रहे हैं कि सभी लोग आएँ
और लेकर के मंदिर निर्माण करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे महिलाओं का है देन, जो हमारे द्वारकावासी महिला हैं उनका आशीर्वाद हमको, हम लोगों को मन मिल रहा है। जो छठवर्ती हैं इतना उनका आशीर्वाद मिला है, इतना भीड़ आप कभी नहीं देखे होंगे। कम से कम इतनी पब्लिक यहाँ पे आई हुई है, ये सब छठी मैया का देन है। और ये द्वारका सेक्टर 7 के वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पूनम सिंह, ये और मैंने बताएंगे आप। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, जिसकी हम तुलना और इसकी के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते। हम लोग देख के इतना गौरवान्वित है कि आज हमें लग रहा है कि दिल्ली में हमारा पूरा बिहार उठ के चलाया है। ऐसा छठ हम अभी तक नहीं देखे। इस बार काफ़ी समस्याएं थी यहाँ पे, द्वारका रामलीला कमेटी ने हमारे को 30 तारीख तक उन्होंने बुक करा रखा था, लेकिन हम लोग ने बीच में रविंद्र शर्मा, चंद्रशेखर राय जी, राजेश गहलोत जी ने बहुत कोशिश करके उन्होंने इसको काफ़ी मेहनत करके व्यवस्था कराई, नहीं तो हम लोग को उम्मीद था कि इस बार हम लोग को अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्लान भी बन चुका था कि इसके बगल में हम लोग अलग अपना घाट बनाएंगे, जितना घाट हमारा है उतना ही घाट, लेकिन सारे घाट का निर्माण करने में काफ़ी खर्चा ज़्यादा आ रहा था और परेशानी भी बहुत टाइम लगता, उस वजह से सारा देखते हुए बहुत कोशिश किया गया और कोशिश करके इन्होंने अपना करीब करीब निपटा लिया सारा मामला। उसके बाद से करीब करीब 19 तारीख से हम लोगों ने अपना घाट उट का खुदाई उदाई चालू कर दिया, उसके बाद से अपना दिन रात एक करके हमने सारी व्यवस्थाएं अपना किया, इस बार 2 नए घाट बनाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।